तुझसे सौभाग्य समझता हूँ कि आप स्वयं यहाँ आए और मेरे दुर्गति से परिचित हुए। अब कृपा करके इस पीड़ा से मुक्त होने का कोई उपाय बताए। अब और ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। मंदराचल, जगत की भयंकर से भयंकरतम पीड़ा भगवान भोलेनाथ की आराधना से दूर हो जाती है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि तुम्हें ये सत्य कैसे ज्ञात नहीं, और तुमने भगवान भोलेनाथ की आराधना अब तक आरंभ क्यों नहीं की? शिव आराधना? हाँ मंदराचल, शिव आराधना, पर तुम करते भी कैसे? समय से पूर्व कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, किंतु अब अनुकूल समय आ गया है। तुम इसी समय से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव आराधना प्रारंभ करो। मुझे पूर्ण विश्वास है नीलकंठ तुम्हारा ये कष्ट अवश्य दूर करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य आपको यहां तक ले आया है देवर्षि। मेरे कष्ट निवारण का उपाय बताकर आपने उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदा सर्वदा आपका आभारी रहूंगा। मंदराचल, आभारी तो तब रहना जब इस भारी पीड़ा से मुक्त हो जाओ। इस समय तुम भगवान भोलेनाथ की आराधना तुरंत आरंभ करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना में तुम अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। नारायण नारायण। मंदराचल कष्ट और पीड़ा मुक्त होने के लिए भोलेनाथ का नाम स्मरण करने लगा। पीड़ा मुक्ति का प्रयत्न प्राणी के लिए स्वाभाविक है। मंदराचल का उद्देश्य भी केवल पीड़ा मुक्ति ही था, किंतु इस जगत में कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो दिव्य अथवा अलौकिक शक्तियों की साधना जगत को पीड़ित करने के लिए ही करते हैं, किंतु स्वार्थपूर्ण साधना का परिणाम अंत में मंगलमय नहीं होता। शुंभ निशुंभ दैत्य भी ऐसे ही साधना में रत थे, जिसका उद्देश्य शुभ और पवित्र नहीं था। देवगण शुंभ निशुंभ को तपस्या करते हुए देखकर इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? देवर्षि देख रहे हैं आप और समझ भी रहे होंगे ये बात, फिर भी प्रश्न कर रहे हैं आप। नारायण नारायण। देवराज, देख तो मैं भी रहा हूं और कुछ अंश तक समझ भी रहा हूं, किंतु ये सब देखने और जानने के बाद प्रश्न ये पड़ रहा है किसमें चकित अथवा दुखी होने की क्या आवश्यकता है? आपको ना सही देवर्षि, किंतु हमें तो दुखी चकित एवं भयभीत सभी कुछ होने की आवश्यकता है। पर क्यों देवराज? वो इसलिए देवर्षि कि ये दोनों राक्षसी कुल में उत्पन्न भयानक दैत्य शुंभ निशुंभ है, और अब तीनों लोकों पर पुनः राक्षसी साम्राज्य स्थापित करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो क्या ये वही कथा दोहराएंगे जो इनके पूर्वजों ने दोहराई थी? अर्थात स्वर्ग पर आक्रमण, देवताओं का स्वर्ग से पलायन,
फिर ब्रह्मा विष्णु के पास सहायता के लिए दौड़ भाग, और फिर भाग दौड़ तो दूर की बात है देव ऋषि, इस समय तो ब्रह्म देव द्वारा देने वाले वरदान के बारे में चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि ब्रह्म देव इन्हें कदापि वरदान ना दें। विधि का विधान आपके चाहने और ना चाहने से परिवर्तित तो नहीं होगा ना पवन देव? होगा वही जो त्रिदेव को स्वीकार हो। नारायण। सुनिए देव ऋषि, कृपया सुने, आप भी हमारे साथ ब्रह्मलोक चलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें। मैं ब्रह्मलोक चलूं और परम पिता ब्रह्मा जी से ये अनुरोध करूं कि वे शुंभ निशुंभ को वरदान ना दे? नारायण नारायण। देवराज, आप मुझसे ऐसी अपेक्षा क्यों करते हैं? और वैसे भी आप देवताओं के लिए त्रिदेव से प्रार्थना, अनुरोध, अनुनय, विनय ये सब करते हुए मैं अब उब चुका हूँ, और ये आवश्यक तो नहीं कि परमपिता ब्रह्मा जी मेरे अनुरोध को स्वीकार कर ही लें। आप स्वयं अपना मार्ग ढूंढ लें, यही उत्तम होगा। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। तो फिर ब्रह्मलोक चले देवराज? दुविधा की स्थिति ने घेर लिया है हमें। दुविधा कैसी देवराज? ब्रह्मदेव से केवल प्रार्थना ही तो करनी है। वरुण देव, देखा तो है आपने अनेक बार, अब ब्रह्मदेव हमें प्रताड़ित करने लगे हैं। अथवा कह देते हैं कि समय आने पर सब व्यवस्थित हो जाएगा। हाँ देवराज, यह तो है कि ब्रह्मदेव के पास जाने पर प्रताड़ना के अतिरिक्त अन्य कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरे विचार से अब हमें श्री हरि विष्णु की शरण में जाना चाहिए। यही उत्तम होगा, वे हमारे शुभचिंतक भी हैं और सदा हमारी सहायता भी की है। हर संकट के समय उन्होंने हमारी सहायता की है। तो फिर आइए उन्हीं के पास चलते हैं। नारायण नारायण। श्री हरि, मैं यहां हूं, और नारायण नारायण भी मैंने ही बोला है। माता लक्ष्मी तो सदा आपके पास होती हैं, उन्हें आपका नाम लेकर आपको पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नारद, ये सब तो हम जानते हैं, फिर हमें क्यों बता रहे हो? नारायण नारायण, वो इसलिए श्री हरि कि मेरे नारायण नारायण पुकारने पर आपने मेरी ओर नहीं माता लक्ष्मी की ओर देखा। नारी स्वर और पुरुष स्वर के अंतर का ज्ञान है हमें नारद। इतना तो मैं भी समझता हूँ श्रीहरि, फिर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नारायण नारायण। इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी पुकार सुनकर मुझे तुम्हारे आने का ज्ञान हो गया था, किंतु मैं देवी लक्ष्मी का श्रीमुख देखने के पश्चात ही तुम्हारी ओर देखना चाहता था। ऐसा क्यों प्रभु? कहते हैं कि देवी लक्ष्मी का श्रीमुख देखने के पश्चात शुभ समाचार ही प्राप्त होते हैं। कहो, क्या समाचार लाए हो? आज मैं समाचार नहीं, प्रश्न लेकर आया हूँ। नारद, तुम जब भी आते हो प्रश्न और समस्या ही लेकर आते हो, कभी शुभ समाचार तो लाते नहीं। शुभ समाचार? नारायण नारायण। श्री हरि, जहाँ पर माता लक्ष्मी का वास हो, जहाँ शुभ ही शुभ हो, वहाँ शुभ समाचार आते नहीं, वहाँ से जाते हैं। नारद, तुम तो विश्लेषण और विवेचना के चक्कर में पड़ गए। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? प्रश्न एक तो है नहीं, अनेक है। सोचता हूँ किस विषय से प्रारंभ करूं। अब आप ही बताएं कि मैं पहले कौन सा विषय पूछूं? मंद्राचल के विषय में, शुंभ निशुंभ के विषय में, अथवा भयभीत चिंतित देवताओं के विषय में? नारद, ये तीनों ही प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न करोगे तो तीनों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा, किंतु आज हम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे और न ही कोई भविष्यवाणी करेंगे, केवल संकेत मात्र ही देंगे। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा इसलिए नारद कि भविष्यवाणी करने से भविष्य की घटनाओं के पात्र या तो भयभीत हो जाते हैं या फिर निश्चिंत, और प्रभु को ये दोनों ही इष्ट नहीं है, इसलिए केवल संकेत से ही संतुष्ट हो जाओ। केवल संकेत से ही? चिंता का कारण क्या है नारद? तुम्हें संकेत भी मिल जाए
तो तुम खलियान से खेत तक पहुंच ही जाते हो। सुनो नारद, संकेत सुनो। महादेव शीघ्र ही मंदराचल की पुकार सुनकर उसके कष्टों का अंत करेंगे, पर ब्रह्मदेव भी शुंभ निशुंभ को वरदान अवश्य देंगे। परंतु वरदान प्राप्ति से पूर्व शुंभ निशुंभ को कठोर तप करना होगा। अब शेष विषय रह जाता है देवताओं के भय और कष्ट का अंत करना। तो सुनो नारद, जैसा ब्रह्मदेव का शुंभ निशुंभ को वरदान देना निश्चित है, तो ये भी निश्चित ही समझो कि पालनहार श्री हरि विष्णु की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो। पधारे देवराज, आप ही के विषय में चर्चा हो रही थी। माते, जो लोग अत्यंत सुखी होते हैं उनकी चर्चा होती है, अथवा जो लोग अत्यंत दुखी होते हैं उनकी चर्चा होती है। देवराज, आपके उद्गार से आपके दुखी होने का आभास होता है। श्री हरि, जो चिंतित है वो दुखी तो होगा ही। देवराज, मैंने आपकी चिंता की सूचना श्री हरि को दे दी है, अब आप कहें जो कहना है। श्री हरि, देवराज की चिंता का कारण है वो दुष्ट राक्षस शुंभ निशुंभ। प्रभु, ऐसा कुछ उपाय करें कि उन दुष्ट राक्षसों को वरदान ही न प्राप्त हो सके, तभी देवराज और हम चिंता मुक्त हो सकेंगे। भगवान, नारद, हमने इस विषय में तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सब देवराज को बता दो, जिससे इनकी समस्या का समाधान हो सके। मैं बता दूं? मैं? नारायण नारायण। श्री हरि, आप क्यों मुझे व्यर्थ ही धन संकट में डाल रहे हैं? जो कुछ कहना है आप स्वयं ही बता दें। आप दोनों को धन संकट से मैं उभार लेती हूँ। देवराज, प्रभु ने कहा है कि शुंभ निशुंभ ब्रह्मदेव की आराधना कर रहे हैं, इसलिए प्रभु इसमें कुछ नहीं कर सकते। किंतु ये भी सत्य है कि ब्रह्मदेव शुंभ निशुंभ को वरदान देने से स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। अब हम क्या करें श्री हरि? देवराज, श्री हरि को जो कहना था वो कह दिया। अब आप सभी अपनी दैवी शक्ति का उपयोग करके अपना मार्ग स्वयं खोजें। और हाँ, ये अटूट सत्य ना भूलें कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने मनोबल के आधार पर स्वयं की सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं। श्री हरि, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना? सत्य तो ये है नारद कि आज तुमने और देवी लक्ष्मी ने हमें कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचा लिया, इसलिए तुम दोनों ही हमारे धन्यवाद के पात्र हो। नारायण नारायण। श्री हरि, जिसे आपका धन्यवाद प्राप्त हो वो तो धन्य ही हो गया। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ये मंदराचल की पुकार है देवी। मंदराचल? वही मंदराचल जिसे मेरुदंड बनाकर समुद्र मंथन किया गया था, उसे क्या कष्ट हो सकता है? कष्ट जो भी है इसका निवारण हम दोनों को मिलकर ही। वह आपको पुकार रहा है स्वामी, मुझे नहीं। देवी, संपूर्ण जगत जानता है कि शिव और शक्ति अभिन्न है, इसलिए मंदराचल का कष्ट मिटाने में तुम्हें भी हमारी सहायता करनी होगी। अधिक विलंब न करें प्रभु, तुरंत मंदराचल का कष्ट निवारण करें।
तो फिर चलो देवी। चल, तुमने हमें करुण स्वर में पुकारा, जिसे सुनकर हम प्रकट हुए। अपनी व्यथा कहो। प्रभु, मेरी व्यथा आपसे छुपी नहीं है प्रभु, आप तो जानते ही हैं। मेरे सारे शरीर में भयंकर विषाक्त है। विष का ये प्रभाव दूर करने के लिए आप मेरे मस्तक पर विराजे प्रभु। प्रभु, आप विष पाए नीलकंठ है। आपने समुद्र मंथन के समय हलाल पान करके विश्व को विनाश से बचाया है। विष्ठर नाग आपके भूषण है। मुझे इस मरमान तक कष्ट से मुक्त दिलाने वाला भला आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है। किंतु समुद्र मंथन के पश्चात युगों तक विष दाह को सहते हुए आप अब तक मौन क्यों रहे? सहन शक्ति के अपने दुर्भाग्यपूर्ण गुण के कारण। अर्थात? मैं माता पृथ्वी से उत्पन्न भूधर हूँ। माता, पीड़ा चुपचाप सहना तो। मेरी माता पृथ्वी का जगत विदित गुण है। मैंने भी अपनी माता का अनुसरण करते हुए चुपचाप इस तीव्र पीड़ा को सहा। नाथ, अब पीड़ित मंदराचल की व्यथा हरने में एक पल का भी विलंब ना करें। मेरा विचार है हम दोनों कैलाश को त्याग कर यही मंदराचल शिखर को अपना निवास स्थान बनाते हैं। भली भात सोच लो देवी, किसी भी कार्य को करने में अति शीघ्रता शुभदायक नहीं होती। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? आप तो आशुतोष है, भक्त का कष्ट मिटाने में आप तो एक पल का भी विलंब नहीं करते। फिर मेरी बारी में इतना विलंब क्यों हो रहा है प्रभु? मेरे इस दाह का अंत करे महादेव। मुझे इस मरमाल तक पीड़ा से मुक्त करे महादेव। हे आशुतोष, अपना नाम सार्थक करे। तुम सत्य कह रहे हो मंदराचल, हमें अपना आशुतोष नाम सार्थक करना ही होगा। चलो देवी, आप कैलाश को त्याग कर मंदराचल पर निवास करने का शुभ मुहूर्त आ गया है। इस प्रकार हम उमा महेश्वर की प्रतीक्षा में कब तक मौन साधे खड़े रहेंगे? मैं करूं तो क्या करूं? तुरंत पता लगाओ वे दोनों अदृश्य होकर कहां गए हैं। अचानक अदृश्य होना तो भोलेनाथ का स्वभाव है। शिव जी का स्वभाव है, पर देवी पार्वती का तो नहीं? हाँ, इस बार तो माता पार्वती बिना बताए हमको अकेला छोड़कर चले गए हैं। अब इतने बड़े जगत में हम उन्हें ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? अब तो समस्या ये हो गई है कि भगवान शिव और पार्वती के अदृश्य हो जाने से नंदी भैया का दायित्व और बढ़ गया है। ये अब कैलाश छोड़कर जा भी नहीं सकते। भगवान शिव की अनुपस्थिति में कोई महानुभाव उनके दर्शन करने आ जाए तो नंदी भैया ही उन्हें समुचित उत्तर दे सकेंगे। वही तो, नंदी महाराज के अतिरिक्त अपरिचितों और दर्शनार्थियों से चर्चा करने वाला हम में तो कोई है नहीं। नारायण नारायण, कल्याण भव। आज मैं तुम सब की चिंता दूर करने आया हूँ। हाँ देवर्षि, हमारी चिंता दूर करने की कृपा करें। और हमारी चिंता का कारण है उमा महेश्वर। देवर्षि, कृपया करके आप ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ गए? वे दोनों
पीड़ित मंदराचल की पुकार का उत्तर देने गए हैं। किंतु देवऋषि, उन्हें गए इतना समय हो चुका है, अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। जो होना चाहिए था वो होता कहाँ है नंदी महाराज? नारायण नारायण, मात्र एक बार संपूर्ण जगत पर दृष्टि डालकर देखे नंदी महाराज, तो आपको ज्ञात होगा कि वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। नारायण नारायण। सोच विचार हम कब तक करेंगे देवराज? हाँ देवराज, अब सोच विचार का नहीं, कुछ कर डालने का समय है। हाँ देवराज, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने अपना मार्ग स्वयं खोजने का संकेत दिया है। क्यों, क्या देवऋषि नारद ने अपनी दैवी शक्ति की दुहाई नहीं दी है? हाँ देवराज, हमें अपनी शक्तियों का उपयोग करना ही होगा। हम अपनी शक्तियों का उपयोग इन दुष्टों पर कर सकते हैं, किंतु पासा पलट गया तो क्या होगा? क्या होगा देवराज? कुछ नहीं होगा। जब तक इन दोनों को ब्रह्मदेव का वरदान नहीं मिल जाता, तब तक ये हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। पर वरदान इन्हें अब तक मिला नहीं है। मिलना भी नहीं चाहिए। अब यदि अफसर हाथ से निकल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है देवराज, कि आप हम तीनों को इन राक्षसों पर प्रहार करने की आज्ञा दें। हम तीनों जल, पवन और अग्नि द्वारा इनकी तपस्या भंग कर देंगे, और इतने पर भी ये अपना हट नहीं त्यागें तो अंत में इन पर वज्र प्रहार करें। आप ठीक कह रहे हैं, आप तीनों शुंभ निशुंभ पर प्रहार करें। साधारण कार्य के लिए निष्ठावान और समर्पित तपस्वियों पर वज्र प्रहार करने से अपना पुण्य क्षीण होता है, अपने शीश पर पाप का भार बढ़ता है। ऐसे अनितिपूर्ण कार्य करने से आपके वज्र की शक्ति कुंठित हो जाएगी, ऊपर से तपस्वियों के वध का पाप लगेगा और त्रिदेव के कोप का भाजन भी बनना होगा। शुम निशुम की तपस्या भंग करने का प्रयास करके देवराज ने अकारण इन दोनों असुरों के साथ शत्रुता कर ली। अब ये दोनों असुर अपनी आसुरी वृत्ति के कारण देवताओं से और इस इंद्र से प्रतिशोध लिए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। नारायण नारायण। हे नीलकंठ महादेव, इस लोकीनाथ, इस असहनीय पीड़ा से मुझे मुक्त करे। भगवान मुझे मुक्त करे। स्वामी,
स्वामी, ये कैसा धुआं है? इसके प्रभाव से प्राणवायु कम होने लगी है। देखिए नाथ, देखिए इस धुएं का दुष्प्रभाव। हम देख रहे हैं देवी, जो कुछ घट रहा है उस पर हमारी दृष्टि है, किंतु अघटित न घटे इसलिए इस विष को हमें आत्मसात करना होगा। विष? हाँ, ये धुआं विष ही है जो अब तक मंदराचल के भीतर स्थित था, जिसकी पीड़ा से वो करहा रहा था। यहां के वातावरण की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमें इस विष का आत्मसात करना ही होगा। मंदराचल, अब तुम विष मुक्त होकर पीड़ा मुक्त भी हो गए हो। तुम्हारे तन को शांति व शीतलता प्राप्त हो गई है। नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो, देवी माँ पार्वती की जय हो, हिमालय सुता माँ पार्वती की जय हो। हे महेश्वर, आप धन्य हैं, आपकी कृपा से मैं विष मुक्त होकर पीड़ा मुक्त हो गया। प्रभु, मैं आपका सदा सदा आभारी रहूंगा। आपने मेरे तन को शीतलता और शांति प्रदान की देव। मंदराचल, इस जगत में सुख और दुख दोनों की अपनी स्थिति है। कर्मों के कारण सुख अथवा दुख आरंभ होते हैं और इनका अंत भी समय से पूर्व नहीं होता। स्वामी, आप इस प्रकार एक तक मुझे क्या देख रहे हैं? तुम्हारे रूप में जो परिवर्तन हुआ है उसे देख रहा हूँ पार्वती। मेरे रूप में परिवर्तन अर्थात? पहले तुम गौरी थी, तुम्हारा वर्ण गौरा था, और अब तुम्हारे इस परिवर्तित रूप से हमारी दृष्टि हट ही नहीं रही है देवी। अब तुम श्याम वर्णी हो गई हो। मैं श्याम वर्णी अर्थात मैं काली हो गई? नहीं नहीं, यह असंभव है। मैं काली नहीं हो सकती। आप मेरे साथ विनोद कर रहे हैं। ऐसा विनोद हम तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं? किंतु हम ये अवश्य कहना चाहेंगे कि तुम्हारा ये श्याम वर्णी रूप भी कम मनोहारी नहीं है। यदि विश्वास ना हो तो स्वच्छ जल के दर्पण में झांक कर देख लो। नहीं नहीं नहीं। भोलेनाथ ने मेरे साथ ऐसा क्रूर, ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? क्या आवश्यकता थी इसकी? यदि विष का प्रभाव पड़ना ही था तो उनके तन पर क्यों नहीं पड़ा? विष ने केवल मेरे ही तन को प्रभावित क्यों किया? क्या भोलेनाथ मुझे यहाँ अपमानित करने के लिए लाए थे? अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? पार्वती, तुम ये क्या सोचने लगी? वही जिसे सोचने के लिए आपने मुझे बाध्य किया है। नहीं, मैंने तुम्हें बाध्य नहीं किया। ये सोच तो तुम्हारे नारी सुलभ क्षोभ का परिणाम है। तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो कि तुम साक्षात शक्ति का अवतार हो। तुम्हारे इस रूप परिवर्तन के पीछे भी शिव शक्ति का कोई विशेष उद्देश्य ही है। और फिर इस सत्य को भी तो समझो कि तुम्हारे इस रूप परिवर्तन से तुम्हारे तेज और सौंदर्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है।
इसलिए तुम व्यर्थ ही अपने मन को दुखी ना करो देवी। इधर देखो देवी, हमारी ओर तुम्हारा क्रोध अकारण है देवी, स्थिति को समझने का प्रयास करो। कुछ बोलोगी नहीं? तुम्हारे मौन में शांति नहीं, असंतोष है, और असंतोष मन को कलुषित करता है, इसलिए आवश्यक है कि तुम कुछ बोलो। जैसी तुम्हारी इच्छा। माता पार्वती का मन असंतुष्ट था, किंतु उनका ये श्याम वर्ण रूप एक नए घटना चक्र का संकेत था। इस सत्य से वे अनभिज्ञ थी। दूसरी ओर जगत की समूची घटनाओं से अनभिज्ञ, पर दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ दैत्य पुत्र शुंभ तथा निशुंभ ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए निरंतर प्रयासरत थे। इस भयानक अग्नि का शमन करें। परमपिता ब्रह्मा जी के पास इस हाहाकार की ध्वनि पहुंची नहीं होगी? हे प्रभु, क्या गति होगी उन वन प्रदेश के प्राणियों की? इस भीषण ज्वाला से उनकी रक्षा करें। स्वामी, शुंभ निशुंभ की तपस्या उग्रतर होकर चरम सीमा पर पहुंच गई है। उनका तपोबल जागृत हो चुका है। उनकी तप की ज्वाला से वन प्रदेश के प्राणी हाहाकार कर रहे हैं। पृथ्वीवासी, इन प्राणियों की रक्षा के लिए आपको शीघ्र ही वहां जाना होगा। हाँ देवी, जो कुछ तुमने कहा है, हम उन बातों से अनभिज्ञ नहीं हैं। आपको सब ज्ञान है, फिर भी आप कौन हैं? गतिमान नहीं हो रहे हैं, वहाँ जा नहीं रहे हैं? हाँ देवी सरस्वती, हम अब तक उनकी तपस्या की उपेक्षा कर रहे थे। हम जानते हैं कि शुम निशुम अपने पूर्वज राक्षसों से अधिक बलवान और अधिक बलवान सिद्ध होंगे। देवताओं ने भी तो भूल कर डाली है। कैसी भूल स्वामी? हमारे द्वारा दिए गए परामर्श की अवहेलना करके देवताओं ने जो तपस्यारत राक्षसों पर शक्ति प्रयोग किया है, उसका वे भीषण प्रतिशोध लेंगे। अब उनके अत्याचारों से उत्पन्न हाहाकार और अधिक भयावह होगा। बस इसी के उपाय के लिए मैं चिंता में डूबा हूँ देवी। आप चिंता में डूबे रहेंगे तो पृथ्वीवासियों को अकारण ही कष्ट भोगने पड़ेंगे। नहीं देवी, हमें पृथ्वीवासियों की उनके कष्टों से रक्षा करनी ही होगी। इस समय तो शुम निशुम को मनचाहा वरदान देकर हमें उनकी तप की ज्वाला को शांत करना होगा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः।
ब्रह्मणे। शुम निशुम, तुम्हारी तपस्या सफल हुई तपस्वियों, हम ब्रह्मदेव तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हम तुम्हें वरदान देने आए हैं शुम निशुम। आप हमारे वरदाता नहीं, हमारे शत्रु हैं ब्रह्मदेव। आपने तपस्या में हमें इतना कष्ट क्यों दिया? हमारे साथ ये पक्षपात क्यों? हम जानते हैं आप देवताओं के परम पिता हैं। आपने ही देवताओं को हम पर अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया ताकि हम तप से डिग जाएं और आपको वरदान न देना पड़े। ये तुम दोनों का भ्रम है। हमारे विधान में पक्ष विपक्ष अथवा पक्षपात जैसा कुछ नहीं होता। ये सब पृथ्वीवासी मानव दानव में होता है। तो फिर प्रकट होने में इतना विलंब क्यों किया ब्रह्मदेव? हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। कैसी परीक्षा? तप करने वाले अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हैं अथवा नहीं? हो गई परीक्षा। परीक्षा अवश्य हो गई, किंतु तुम दोनों क्रोध की ज्वाला को न बढ़ाओ। अब हमें वरदान दो ब्रह्मदेव। वरदान देने से क्रोध की ज्वाला अपने आप शांत हो जाएगी ब्रह्मदेव। हम तुम्हें वरदान देने का वचन देते हैं। शुम निशुम कहो, क्या वरदान चाहते हो? शक्ति का वरदान चाहिए। हमें चाहिए ऐसी शक्ति जो देव दानव मानव किसी के पास न हो। हमें चाहिए ऐसा अधिकार जो तीनों लोकों में किसी के पास ना हो। हम चाहते हैं अमरता का वरदान ताकि कोई हमें मार न सके। आप हमें ऐसी संहारक शक्ति प्रदान करें जिससे स्वर्ग में रहने वाले अमर देवता भी हमारे हाथों मारे जाएं। मौन क्यों हो गए ब्रह्मदेव? तुम दोनों ने एक साथ इतने सारे वरदान मांग लिए हैं जिनका देना हमारे लिए संभव है ही नहीं। हम तुम्हें केवल एक वरदान देने के लिए यहाँ आए हैं और एक ही वरदान दे सकते हैं। इसलिए तुम दोनों एक साथ विचार करके कोई एक वरदान मांग सकते हो। नहीं, हमें सभी वरदान एक साथ चाहिए ब्रह्मदेव। और जब तक हमें ये वरदान नहीं मिलेंगे हमारी इच्छाएं अधूरी रहेंगी। शुम निशुम, हम तुम्हें अपार शक्ति का वरदान दे सकते हैं, परंतु अमरता का वरदान देना हमारे वश में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है। हाँ, एक उपाय है। शीघ्र कहें वो उपाय ब्रह्मदेव। तुम अपने मरण को कठिन बनाने के लिए मारने वाले का चुनाव कर सकते हो। अपने मारने वाले का चुनाव हम करें? हमें मारने वाले को हम नहीं मार डालेंगे। तुम दोनों बुद्धि का उपयोग करो। यद्यपि हम जानते हैं कि असुरों के पास अधिक बुद्धि नहीं होती, फिर भी जितनी है उसका तो उपयोग करो। मरण तो निश्चित है, क्योंकि तुम दोनों असुर हो इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी। अवश्य तुम किसी पुण्यात्मा शत्रु के द्वारा मारे जाओगे। मारे जाएंगे? तो फिर आपका वरदान क्या करेगा ब्रह्मदेव? इतना कठोर तप क्या हमने मारे जाने के लिए किया है? एक बार फिर समझ लो कि हम तुम्हें यहाँ वरदान देने के लिए ही उपस्थित हुए हैं, और ये भी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम अपने किसी ऐसे मारने वाले का चुनाव कर लो जिसका अस्तित्व ही असंभव हो। जिसका अस्तित्व ही असंभव हो। ब्रह्मदेव, आपने तो फिर वही बात कह डाली जो हमारी बुद्धि से परे है। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करें ब्रह्मदेव। तो सुनो, तुम ये वर भी मांग सकते हो कि तुम्हारा मरण किसी पुरुष के हाथ ना हो। हाँ हाँ, हमें यही वरदान चाहिए ब्रह्मदेव कि हमारी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों ना हो। पुरुष हमें मार सकेगा नहीं तो भला स्त्री हमें मारने का साहस कैसे करेगी? फिर तो हम मरेंगे ही नहीं। पुरुष हमें मारेगा नहीं
स्त्री हमें मार नहीं सकेगी, फिर तो हम अमर हो ही जाएंगे। भली भांति सोच विचार कर लो, स्त्री की शक्ति भी कम नहीं होती। ब्रह्मदेव, हमें मारने वाली स्त्री ऐसी हो जिसने माँ के गर्भ से जन्म ना लिया हो, और वो स्त्री विवाहित ना हो, कुंवारी हो, और वो हमें तभी मार सके जब हमारे मन में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए। फिर तो ऐसी किसी स्त्री का अस्तित्व ही नहीं होगा और ना हमारा मरण संभव होगा। हाँ हाँ ब्रह्मदेव, हमें ऐसा ही वरदान चाहिए। तथास्तु। पुरुष हमें मारेगा नहीं, स्त्री हमें मार सकेगी नहीं। स्त्री भी अयोनिजा, जो किसी माँ के पेट से उत्पन्न ना हो, वो भी कुमारी, विवाहित नहीं। यूं कहो निशुम कि हम अजय हुए। हाँ भैया शुम, हम अमर हो गए। अब हम अपने वरदान का उपयोग करेंगे। अब हम तीनों लोकों में असुर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। अवश्य करेंगे। त्रिलोक विजय। अंत में वही हुआ जिसकी आशंका थी। ब्रह्मदेव ने उन दोनों को वरदान दे ही दिया। अब स्वर्ग सुरक्षित नहीं है देवगण, अब स्वर्ग सुरक्षित नहीं है। देवराज, अब तो हमें अविलंब स्वर्ग पहुंचकर उसकी सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। वो तो हम करेंगे ही वरुण देव, किंतु चिंता का विषय ये है कि ये वरदान पाकर इन दुष्ट राक्षसों की शक्ति और अधिक बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में स्वर्ग की सुरक्षा का प्रबंध करने पर भी क्या हम उसे सुरक्षित रख सकेंगे? नहीं वरुण देव, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मनोबल दृढ़ हो तो सब कुछ सरल दिखाई देने लगता है, और जब मनोबल ही टूट गया हो तो सरल भी कठिन दिखाई देने लगता है। और दुर्बल मन वाले प्राणी संघर्ष करने से पूर्व ही अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। किंतु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किंतु देवर्षि, आप किंतु दुर्बलता का प्रतीक है देवराज। ये सत्य ना भूलें कि साहस सदा शक्ति के आगे आगे चलता है। साहस यदि प्राणी का साथ छोड़ दे तो फिर शक्ति भी वहां नहीं ठहरती। देवराज, साहस इन प्राणी शक्ति को प्रिय होता ही नहीं, फिर तो शक्ति भी प्राणी का साथ छोड़कर साहस के साथ दूर निकल जाती है। नारायण नारायण। आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है देवर्षि, पर व्यावहारिक रूप में इनका क्या महत्व है? जो सजग और सचेत है उनके लिए निसंदेह इन बातों का महत्व है। अब यदि आपके लिए शक्ति और साहस के संबंधों का महत्व है ही नहीं, तो फिर यही माना जाएगा कि आप सजग और सचेत नहीं है। नारायण नारायण। देवर्षि, हम पहले से ही इतने अधिक पीड़ित हैं, आप अपने ये व्यंग बाण चलाकर हमारी पीड़ा को क्यों बढ़ा रहे हैं? नहीं देवराज नहीं, नारद कभी किसी की पीड़ा नहीं बढ़ाता, और फिर नारद ही क्यों? कोई भी किसी को पीड़ित नहीं कर सकता जब तक प्राणी स्वयं पीड़ित होने के लिए तैयार ना हो। सत्य तो यही है देवराज कि प्राणी की दुर्बलता ही उसकी पीड़ा को पाल पोष कर उसका आकार प्रकार बढ़ाती है। वैसे मैं तो आपको केवल मार्गदर्शन और परामर्श देने का इच्छुक हूँ। हमें आपसे यही अपेक्षा थी देवर्षि, बताइए बताइए हमारे लिए क्या परामर्श है? इस समय मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि आप साहस का साथ ना छोड़े और सहायता के लिए ब्रह्मा विष्णु के पास भागे भागे न जाए। देवर्षि परामर्श देकर चले गए, किंतु हमारी समस्या का समाधान तो हुआ ही नहीं। हे भोलेनाथ, समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। देवाधिदेव, ब्रह्मा का प्रणाम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। पधारिये ब्रह्मदेव, मंदराचल में आपका स्वागत है। देवेश्वर, अब स्वागत नहीं, मार्गदर्शन करें। ऐसा लगता है कि शुंभ निशुंभ को इच्छित वरदान देकर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। आप सत्य कह रहे हैं विश्वेश्वर, और ये सत्य भी आपसे छुपा हुआ नहीं है कि नसुरों को वरदान देना
हमारी विवशता थी। अब आप ही ऐसा कुछ चमत्कार करें विश्वेश्वर कि इन असुरों के मन में कभी तपस्या की भावना जागृत ही ना हो। ब्रह्मदेव, आप स्वयं जानते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है। जिस शरीर में प्राण है उसमें किसी भी प्रकार की भावना जागृत हो सकती है। उस प्राणी की प्रवृत्ति प्रकृति के अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी। वैसे भी प्रतिकूलता के अभाव में अनुकूलता का ना तो मूल्यांकन है ना महत्व। अर्थात स्पष्ट है ब्रह्मदेव, दुष्ट शक्तियों का उत्थान हुए बिना दैवी शक्तियों का उत्थान भी नहीं होता। वे उभरती हैं, तभी दुष्ट शक्तियों का दमन होता है। जगत में व्याप्त समय की गति के अनुसार देवों दानवों और मानवों में संघर्ष अवश्यंभावी है। ब्रह्मदेव, अब तक आपने यहां आने का उद्देश्य प्रकट नहीं किया। महेश्वर, मैंने शुम निशुम को विवशतावश वरदान तो अवश्य दे दिया है, किंतु ऐसा करने से पूर्व मैंने उन्हें यथाशीघ्र समाप्त करने का उपाय भी निश्चित कर लिया था। तो अब मेरा कार्य आप करने लगे हैं। आप तो सृष्टि के निर्माण करता है। अपना कार्य तो आपको ही करना होगा देवेश्वर। मैंने तो आपके कार्य को तनिक सरल कर दिया है, यही स्पष्ट करने तो मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। आपका अभिप्राय है कि शुंभ निशुंभ की गति का उपाय आपने कर लिया है? हाँ महेश्वर, मंद्राचल पर आने का उद्देश्य आपने देवी पार्वती का वर्ण बदलकर पूर्ण कर लिया है। अब शुंभ निशुंभ के अंत के लिए आपको उन्हें तपस्या करने को प्रेरित करना होगा। ब्रह्मदेव, देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के लिए हमें दोषी समझती है, इसलिए हमसे रूठ बैठी है। ऐसे में उन्हें तपस्या के लिए हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं? अब तो ये कार्य और भी अधिक सरल हो गया है। आप अब ये कार्य कैसे करेंगे इसका निर्णय तो केवल आपको ही करना है। मैंने तो केवल आपको स्थिति से परिचित कराया है, अब आप मुझे आज्ञा दें। देवी पार्वती, देवी शिवा, इस प्रकार कब तक हमसे रूठी रहोगी? और रूठ कर तुमको मिलेगा क्या? स्वामी, मुझे मनाने का प्रयत्न व्यर्थ है। हमारा प्रयत्न व्यर्थ कब हुआ है? हुआ है कभी? वो कभी होगा भी नहीं। तुम केवल इतना बताओ कि तुम्हारा रोष कब और कैसे शांत होगा? मेरा रोष तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आप मुझे पहले के समान गौर वर्णीय नहीं बना देते। यह असंभव है, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप मृत प्राणी को जीवित कर सकते हैं। अपने आराधक शुक्राचार्य को हजारों मृतक असुरों को जीवित करने वाली मृत संजीवनी विद्या प्रदान कर सकते हैं। और मेरा अपनी पत्नी का ये साधारण कार्य भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि ये केवल तुम्हारे प्रयत्न से ही सफल होगा, हमारी शक्ति अथवा कृपा से नहीं। आश्चर्य है, यहाँ लाकर आपने मेरे गौर वर्ण को श्याम वर्ण में बदल दिया। वह कर सकते थे आप, ये क्यों नहीं कर सकते? गोरे को श्याम में बदलेंगे आप और श्याम को गोरा करूं मैं? क्यों क्यों करूं मैं? कैसे करूं? आप मेरे स्वामी हैं, मेरी सहायता करना आपका धर्म है। आप अपने धर्म से क्यों मुंह मोड़ना चाहते हैं? क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे तन के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी काली हो गई है। तुम यदि हट करना जानती हो तो हम भी हट योगी हैं। अब हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, वही करो जो तुम्हारे मन में आए। गिरिजा, गिरिजा, माँ आदिशक्ति, गिरिजा, क्या इस प्रकार रोना सुबकना तुम्हें शोभा देता है? तुम शक्ति का अवतार हो,
एकमात्र दृष्टि विक्षेप से तुम इस जगत में प्रलय मचा सकती हो, फिर अचानक तुम इतनी अबला कैसे हो गई? अपने पति द्वारा किया गया यह घोर अपमान मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? जो हो चुका है उसे भूल जाओ और अब तुम्हारा अपमान ना हो ऐसा उपाय करो। क्या है वो उपाय? जहाँ अपमान होता है वहाँ तो स्वाभिमानी को एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए। तुरंत चली जाओ यहाँ से। पर स्वामी मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं देंगे, क्या उनकी आज्ञा के बिना यहाँ से जाना उचित होगा? भोलेनाथ अंतर्यामी है, उन्हें तुम्हारी हृदय की व्यथा का पता है, इसीलिए आज्ञा की चिंता किए बिना स्वाभिमान की रक्षा के लिए तुरंत इस मंदराचल का त्याग कर दो। माँ भुवनेश्वरी की आज्ञा अनुसार मैं मंदराचल का त्याग कर दूंगी। नंदी महाराज, हम अनिश्चित काल तक शिव पार्वती के लौटने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जब वे दोनों मंदराचल में बस गए हैं तो हमें वहाँ जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। वहाँ चलकर उन्हें यहाँ आने के लिए मनाना चाहिए। मैं आप दोनों की प्रेरणा समझ रहा हूँ, किंतु भगवान भोलेनाथ की आज्ञा बिना मैं कैलाश छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? नारायण नारायण। कल्याण भव, मैं भी यही सोचकर यहाँ आया था कि अब तक तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर आ गए होंगे, किंतु अब तो ऐसा लगता है कि उन्हें मंदराचल कैलाश से भी अधिक प्रिय लगने लगा है। नारायण नारायण। स्थिति यदि ऐसी है तो वहां जाकर ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन होंगे। हाँ देवर्षि, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अर्थात जया और मैं। मेरे साथ? नारायण नारायण। देवियों, आपका और मेरा साथ कैसे निभ पाएगा? क्यों, साथ निभने में क्या कष्ट है? क्या कष्ट है? कष्ट? देवियों, मैं आकाशगामी और आप पृथ्वीगामिनी, क्या आप पैदल चलकर मंदराचल पहुंच पाएंगी? तो फिर हम क्या करें देवर्षि? यही कि मंदराचल जाने का विचार त्याग कर आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की यहीं पर प्रतीक्षा करें। मैं स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन करके उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आपको शीघ्र ही शीघ्र दर्शन दें। नारायण नारायण। स्वामी, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दे। स्वाभिमान आहत होने के पश्चात अब मैं आपकी सेवा में नहीं रह सकती। आंखें बंद किए हुए भी आप मेरे मन की व्यथा अवश्य समझ रहे होंगे, इसलिए यदि मैं आपकी आज्ञा प्राप्त किए बिना ही यहाँ से चली जाऊं तो मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, बहुत समय से आपके और माता पार्वती के दर्शन नहीं हुए थे और मुझसे रहा नहीं गया सो चलाया आपके और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए। इस समय तो हम यहाँ पर मात्र अकेले हैं नारद, देवी पार्वती तो हमसे आज्ञा लिए बिना ही अभी अभी यहाँ से अदृश्य हो गई। माता पार्वती आपकी आज्ञा लिए बिना यहाँ से चली गई? भोलेनाथ, यह असंभव कैसे संभव हुआ? आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, इस जगत में असंभव कुछ भी नहीं होता। जो प्राणी के वश
सामर्थ्य ज्ञान और अनुभव से परे होता है, उसे वह असंभव मान लेता है। यहां तो वही हुआ है जो होना था। भोलेनाथ, वो गई कहां है? इस बात का ज्ञान तो आपको अवश्य होगा ही। इस विषय में हमसे कोई प्रश्न न करना नारद। भोलेनाथ नारद यदि प्रश्न ना करें तो जगत के प्राणियों को उत्तर कौन देगा? नारायण नारायण। भोलेनाथ, भले ही आपने आंखें बंद कर ली हो, किंतु जो घटित होने वाला है वो टल तो नहीं सकता। नारायण नारायण। महाशक्तिशाली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। महाशक्तिशाली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। आज देवताओं के राजा इंद्र को हम पराजित करके ही रहेंगे। आज तक केवल देवता ही स्वर्ग की सुख संपदा का उपभोग करते आए हैं और असुर उससे वंचित रहे हैं। असुरों को भी हम स्वर्ग की सुख संपदा प्राप्त कराएंगे। दैत्यराज महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय। दैत्यराज महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय। आक्रमण। सिंहासन का अधिकार शक्तिमान का होता है। हम दोनों शक्तिशाली हैं और हमें ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि हम अमर हैं। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। शुंभ निशुंभ, लगता है आज तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। ये तू नहीं, तेरा अभिमान बोल रहा है। मैं तेरा ये अभिमान चूर चूर कर देता हूँ। देवताओं का राजा भाग गया। दुर्बल कहीं का। महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय। महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय।